नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से म्यूजिक गैंगवे में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, आप थंबनेल पे देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम लोग लमसम 80 से 85 क्वेश्चंस पश्चात संगीत से संबंधित देखेंगे। और पश्चात संगीत से संबंधित बहुत सारे कमेंट्स आए थे बच्चों का कि सर पश्चात संगीत से संबंधित क्वेश्चन कुछ लाइए, तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसमें 84 क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक श्रृंखला थी उसी के क्रम में इसको मैंने बनाया, तो इसमें आप लोग 84 MCQ देखेंगे जो पश्चात संगीत से संबंधित और विदेशी जितने भी देशों में नृत्य होते हैं, गायन शैलियाँ होती हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। तो ये वीडियो भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग सेशन को आगे लेकर चलते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपने सही किया, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हारमोनी का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है, ठीक है। पश्चात संगीत, भारतीय संगीत, लोक संगीत, कर्नाटक संगीत, तो इसमें किसमें किया जाता है। आपका सही जो जवाब होगा इसमें आप देख रहे हैं कि पश्चात संगीत, ठीक है ना। हारमोनी का प्रयोग पश्चात संगीत में किया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूमस स्वरलिपि पद्धति का विकास कहाँ हुआ, जर्मनी, रोम, फ्रांस, अमेरिका। तो कहाँ हुआ न्यूमस स्वरलिपि पद्धति का विकास, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन होगा रोम, ठीक है। रोम में न्यूमस स्वरलिपि पद्धति का प्रयोग किया गया। ग्रेट स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में कितनी लाइनें होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पचास संगीत से, 7, 22, 5, 11। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 11, ठीक है, 11 लाइन होती है। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, पश्चात संगीत में दो स्वरों के बीच कितना अंतराल होता है, 1 सेमीटोन, 2 सेमीटोन, 3 सेमीटोन, 4 सेमीटोन, ठीक है। तो पश्चात संगीत में दो स्वरों के बीच 1 सेमीटोन का अंतर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पश्चात संगीत में शुद्ध स्वरों को क्या कहा जाता है, फ्लैट, शार्प, नेचुरल, क्लैफ। तो शुद्ध स्वर जो होते हैं वो नेचुरल स्केल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वर रचना बजाई जा सके उसे पश्चात में क्या कहा जाता है, सोनाटा, कैंटाटा, पोलका, चैम्बर। तो जो स्वर रचना बजाई जाती है उसको हम लोग सोनाटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया, एकल या समूह में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, चैम्बर, पोलका, कैंटाटा, सोनाटा। तो एकल और समूह में गाया जाने वाला गीत जो है वो है कैंटाटा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, पश्चात संगीत में एक सप्तक में कितने अंतराल माने गए हैं, 4, 5, 2, 3। तो पश्चात संगीत में 3 अंतराल माने गए हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पश्चात संगीत में किस स्वरलिपि पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अकार मात्रिक, स्टाफ स्वरलिपि, भातखंडे, दक्षिणे। आपके पश्चात संगीत में जो है मुख्यतः 4 प्रकार की स्वरलिपि का प्रयोग किया जाता है, उसमें से एक स्वरलिपि इसमें कौन सी है, तो वो है स्टाफ स्वरलिपि, ठीक है। मीड को पश्चात संगीत में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, स्लर, रेस्ट, क्वेयर, पॉज। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा स्लर, क्या हो जाएगा स्लर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांस ड्रम सर्वप्रथम कहाँ बजाया गया था, मास्को, जापान, इटली, टर्की। तो बांस ड्रम जो सबसे पहले बजाया गया था वो टर्की में बजाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीवो का पश्चात संगीत में क्या अर्थ है, वीवो, ठीक है, द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय, अति विलंबित लय। तो वीवो का पश्चात संगीत में द्रुत लय अर्थ होता है। यहाँ पे पश्चात संगीत में मॉडरेट क्या है, मॉडरेट क्या है, मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय, अति विलंबित लय। तो मॉडरेट जो है वो मध्य लय है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पश्चात में कॉर्डोफोन किस श्रेणी का वाद्य है, ठीक है, घन, सुशीर, औनत, तत्। तो ये जो है
सुशीर वाद्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर, पश्चात संगीत में मध्य सा का सूचक होता है। ठीक है, सार, स्टाफ, डोमिनेट, क्लेफ। ठीक है, तो इसमें आपका सही जो हो जाएगा वो है मध्य सा, पूछ रहा है ना, मध्य सा। ठीक है, सार, स्टाफ, डोमिनेंट, इसमें क्या सही होगा थोड़ा देखिए आप लोग। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 4 क्लेफ हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं सब डोमिनेट कार्ड किन स्वरों से बनता है। पश्चात संगीत में सब डोमिनेट कार्ड किस स्वर से बनता है, पध सा, धमरे, मध सा, निध प। तो जो है सब डोमिनेट मध सा से बनता है। ठीक है, यहाँ पे है रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ पर है, लंदन, हंगरी, रोम, कोलंबी। तो रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक जो है वो लंदन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चात में छोटे छोटे गीतों को क्या कहते हैं, सोनाटा, नॉकटर्न, प्रीलूड, मॉस। तो छोटे छोटे गीतों को हम लोग प्रीलूड कहते हैं। ठीक है, प्रीलूड कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, पश्चात संगीत में जो विभाग बार लाइन द्वारा बनाए हैं उन्हें मेजर तथा इनमें प्रयुक्त होने वाले स्वरों को क्या कहते हैं। ठीक है, पश्चात संगीत में जो विभाग बार लाइन द्वारा बनाते हैं उन्हें मेजर तथा इनमें प्रयुक्त होने वाले स्वरों को क्या कहते हैं। ठीक है, की सिग्नेचर, क्लेफ, बीट्स, मिनिक्स। ठीक है, तो उसको बीट्स कहते हैं। ठीक है ना, आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पश्चात संगीत में जब किसी स्वर के आगे बिंदु लगाया जाता है तो उसका समय 1.5 गुना हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड टाइम, कॉमन टाइम, क्वाड्रुपल टाइम, ड्यूपल टाइम। तो जब 1.5 गुना हो जाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड टाइम कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, पश्चात संगीत में जब दो स्वरों को 3 स्वरों में, ठीक है ना, यहाँ पे 3 स्वर होना चाहिए, तीन स्वरों के समय में गाया अथवा बजाया जाता है तो उसे कौन सी लयकारी कहा जाता है, ड्रिपलेट, सेप्टोलेट, डुपलेट, सेक्स्टोलेट। ठीक है, तो 2 स्वर पूछ रहा है तो डुपलेट हो जाएगा। ठीक है, डुपलेट। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है जब 3 स्वरों को 2 स्वरों के समय में गाया बजाया जाता है तो उसे कौन सी लयकारी कहा जाता है। ठीक है, 3 स्वर को 2 स्वरों के समय में, ठीक है, तो उसको डुपलेट, ट्रिपलेट, सेप्टोलेट, सेक्टोलेट, 3 ठीक है, ट्रिप्टोलेट। 3 का हो जाएगा तो ट्रिप्टोलेट, 2 का हो जाएगा ड्यूप्टोलेट, और यहाँ पे आ गया आपका 4। जब 4 स्वरों को 3 मात्रा के काल में गाया बजाया जाता है तो उसे कौन सी लयकारी कहते हैं, क्विंटुप्लेट, ट्रिप्लेट, क्वाड्रुप्लेट, डुप्लेट। तो यहाँ पे 4 के लिए क्वाड्रुप्लेट कहा जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, जब 5 स्वरों को 3 या 4 मात्रा काल में गाया बजाया जाता है तो उसे कौन सी लयकारी कहते हैं, डुप्लेट, क्वाड्रुप्लेट, क्विंटुप्लेट, ट्रिप्लेट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्विंटुप्लेट। ठीक है, क्विंटुप्लेट। ठीक है, 5 के लिए। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में, जब 6 स्वरों को 4 स्वरों के समय में गाया बजाया जाता है तो उसे कौन सी लयकारी कहते हैं, सेक्स्टोलेट, सेप्टोलेट, डुप्लेट, ट्रिपलेट। तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका, सेक्स्टोलेट से 6 से 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे आइए, जब 7 स्वरों को 4 या 6 स्वरों के काल में गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रिपलेट, डुप्लेट, सेप्टोलेट, सेक्स्टोलेट। तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, सेप्टोलेट। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पश्चात संगीत में कुल कितने स्वर सप्तक स्केल प्रचलित है, 7, 8, 3, 10। तो पश्चात संगीत में 10 स्वर सप्तक प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 7 स्वरों के स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है, 7 स्वरों से बना स्वर सप्तक को क्या कहते हैं, हेप्टाटोनिक स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, हेक्साटोनिक स्केल, क्रोमेटिक स्केल। ठीक है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा हेप्टा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हेप्टा। 7 के लिए हेप्टा होता है। आगे चलते हैं, 6 के लिए देखते हैं, तो 6 स्वरों के स्वर समूह को क्या कहा जाता है, हेप्टाटोनिक, हेक्साटोनिक, माइनर स्केल, पाइथागोरियन स्केल।
उसके लिए हेक्सा कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, हेक्सा हो जाएगा। यहाँ पे पांच स्वरों दिया है, पांच स्वर, पांच स्वरों के स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? नेचुरल स्केल, टेम्पर्ड स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, डाइटोनिक स्केल। तो पांच स्वरों वाले को हम लोग पेंटाटोनिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हार्मोनिक और मेलेडिक किसके प्रकार है? माइनर स्केल, टेम्पर्ड स्केल, मेजर स्केल और पाइथागोरियन स्केल। तो हार्मोनिक और मेलोडिक माइनर स्केल के प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मेजर स्केल में कितने शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? मेजर स्केल में 3, 2, 4, 7, तो 7 स्वरों का प्रयोग होता है शुद्ध स्वरों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है टोन तथा सेमी टोन के संयोग से बना स्केल क्या कहलाता है? टेम्पर्ड स्केल, डाइटोनिक स्केल, पाइथागोरियन स्केल, माइनर स्केल। टोन और सेमी टोन इससे बने स्केल को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? ठीक है, तो टोन और सेमी टोन से बना उसको हम लोग डाइटोनिक स्केल बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इस स्वर सप्तक में सभी स्वरों का स्थान क्रमानुसार हो, सेमी टोन की दूरी पर हो, उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिक स्केल, नेचुरल स्केल, डाइटोनिक स्केल, टेम्पर्ड स्केल। तो जो स्वर क्रमानुसार हो उसको क्रोमेटिक स्केल बोलते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ला ऑफ एक्टिव और ला ऑफ फिफ्थ किस स्केल में होते हैं? क्रोमेटिक, पाइथागोरियन, डाइटोनिक, नेचुरल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ला ऑफ ऑक्टिव और ला ऑफ फिफ्थ किस स्केल में होते हैं? ये पाइथागोरियन स्केल में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, टेम्पर्ड स्केल में प्रत्येक स्वर की परस्पर दूरी कितनी होती है? ठीक है, टेम्पर स्केल में प्रत्येक स्वर की दूरी कितनी होती है? 20 सावर्ट, 10 सावर्ट, 45 सावर्ट, 25 सावर्ट। तो ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा 25 सावर्ट, ठीक है, चार सही होगा। यहाँ पे देखते हैं जब तीन या तीन से अधिक स्वरों को एक साथ बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोड, मेलोडी, राइड, परफेक्ट। तो इसको कोड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग गाते बजाते हैं हारमोनियम पे तो तीन चार स्वरों को एक साथ जब बजाते हैं उसको कोड कहते हैं। पश्चात संगीत में विलंबित लय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? जार्गो, वीगो, अडंटा, प्रेसेटो, ठीक है। तो विलंबित लय के लिए अडंटा का प्रयोग किया जाता है और वीगो का द्रुत लय के लिए, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। यहाँ पे चलिए महाकाव्य राजा गैसर 1,50,00,000 का असर क्या दिया है जी? किस देश का कथा वाचन संगीत ग्रंथ है? ठीक है, महाकाव्य राजा गैसर किस देश का कथा वाचन संगीत ग्रंथ है? अब देखिए संगीत ग्रंथ में आएंगे, यहाँ पे जो है क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया है, ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, जाज संगीत का उद्भावक किन्हें माना जाता है? ब्राजीलियन को, यूरोपियन को, अमेरिकन निग्रो को, एशियन को। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जाज संगीत अमेरिकन निग्रो को कहा जाता है, वहां से ये दिया गया है। गोरसीय नृत्य किस देश में किया जाता है? चीन, श्रीलंका, जापान, तिब्बत। तो गोरसीय नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है थोड़ा बताइए आप लोग। वो हो जाएगा तिब्बत, ठीक है। यहां पे दिया है निग्रो श्रेणी के संगीतज्ञों को क्या कहा जाता है? निग्रो श्रेणी के संगीतज्ञों को ब्लूज, जैज, मास, जैज। तो क्या कहा जाता है? निग्रो को ब्लूज कहा जाता है, नीला, नी से नीला, ब्लू से नीला, ठीक है। तो यहां से नी से ले सकते हैं। रोमन कैथोलिक चर्चों में किए जाने वाले धार्मिक संगीत को क्या कहते हैं? पॉप, मास, जॉर्ज, पोलोफोनी, ठीक है, पोलीफोनी। तो धार्मिक संगीत, ठीक है, चर्च में जो गाते हैं उसको मास कहते हैं, ठीक है ना, मास कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आ गया माजूरका तथा पोलका कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इंग्लैंड, पोलैंड,
अमेरिका थाईलैंड, तो यहाँ पे पोल का दे रखा है तो ये पोलैंड है, ठीक है ना, माजुर्का और पोलैंड यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ दिया है रामबा कहाँ का लोक नृत्य है, रामबा कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, क्यूबा, ऑस्ट्रिया, यूनान, होलैंड, ठीक है, तो रामबा जो है वो हो जाएगा क्यूबा का, ठीक है, रामबा क्यूबा का लोक नृत्य है। यहाँ दिया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, 29 मई, 29 जनवरी, 29 मार्च, 29 अप्रैल, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है बताइए आप लोग थोड़ा। छियालीस नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा होगा 29 अप्रैल, ठीक है। यहां दिया है सांबा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ब्राजील, सूडान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो सांबा जो है वो ब्राजील का नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कसिनो किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है, इटली, क्यूबा, ईरान, ब्राजील, बताइए कसिनो का नाम आप लोग सुने होंगे, कसिनो में जाते हैं, ठीक है। कसिनो जो भी है, कसिनो भी ये क्यूबा में ही होता है, ठीक है ना, कैसे कसिनो कैसे क्यूबा। यहाँ देखिए टारंटेला, टारंटेला कपल लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, ईरान, इटली, ब्राजील, कुबै, टारंटेला, टारंटेला बताइए, टारंटेला ये जो होता है इटली, इटली के इटली में होता है ये। बलादी कहाँ का पारंपरिक नृत्य है, तुर्की, इजराइल, कुवैत, मिस्र, बलादी, ठीक है, बलादी कहाँ का है बताइए आप लोग, बलादी कहाँ का पारंपरिक नृत्य है बोलिए, बलादी जो है वो मिस्र का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हलय, हलय किस देश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तो हलय जो है वो है तुर्की, ठीक है, तुर्की का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गम्बुट डांस कहाँ किया जाता है, गम्बुट डांस कहाँ किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, ब्राजील, हंगरी, गम्बुट डांस कहाँ किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, ब्राजील, हंगरी, बताइए गम्बुट डांस कहाँ किया जाता है बताइए आप लोग। बताइए गम्बुट जो है दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है ना। यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, मिलोंगा, मिलोंगा किस देश का लोक नृत्य है, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, इटली, ठीक है, तो मिलोंगा कहाँ का है, ये अर्जेंटीना का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, 1920 के दशक में सालसा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई, सालसा नृत्य ब्राजील, जर्मनी, क्यूबा, न्यूयॉर्क, तो जो सालसा 1920 दशक में उत्पत्ति वो क्यूबा में हुई, ठीक है ना, क्यूबा का सालसा नृत्य है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्रो या एक्रोबेटिक डांस का प्रादुर्भाव सन 1900 के आसपास किस देश में हुआ, फ्रांस, जर्मनी, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस नृत्य का संबंध प्राचीन अरब आदिवासियों संप्रदाय से माना जाता है, बेली डांस, सांबा डांस, सालसा डांस, कैसिनो डांस, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका हो जाएगा बेली डांस, ठीक है, प्राचीन अरब आदिवासियों से संबंधित संप्रदाय जो है वो बेली डांस करता था, जो आप लोग सुने हैं बेली डांस का नाम। 15वीं शताब्दी में बेले डांस की शुरुआत किस देश में हुई, अमेरिका, सूडान, इटली, श्रीलंका, वेले डांस, ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में किस देश में हुई, ये जो है आपका
इटली में, ठीक है, इटली में माना जाता है। यहां दिया है कालाबाजियों को प्रदर्शित करने वाला विश्व का पहला नृत्य कौन सा है? कालाबाजी, लिंडी हो, बूंगी बूंगी, रॉक एंड रोल, बेली डांस। तो कालाबाजियों को प्रदर्शित करने वाला विश्व का पहला नृत्य जो है वो है लिंडी हो, ठीक है, लिंडी होप है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है रूम्बा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, सीरिया, ठीक है। रूम्बा, रूम्बा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है बताइए? रूम्बा जो है ये अफ्रीका का है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टैपे तथा जाइव डांस किस देश में अत्यधिक प्रचलित है? मॉरिशस, अमेरिका, सऊदी अरब, सिंगापुर। टैपे तथा जाइव डांस, ठीक है, ये सब विदेशी डांस है, ठीक है, मॉरिशस, अमेरिका, सऊदी अरब, सिंगापुर, ये बताइए टैपे तथा जाइव किस देश में है, किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है बताइए? ये है अमेरिका का, ठीक है। यहां दिया है 13 बार ग्रेमी, ठीक है, ग्रेमी अवार्ड जीतने वाले अमेरिकन पॉप गायक माइकल जैक्सन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 29 अगस्त 1958 इंडियाना, 29 अगस्त 1950 एरिजोना, 29 अगस्त 1960 अलबामा, 29 अगस्त 1955 टेनेसी। तो जो माइकल जैक्सन थे इनका जन्म जो है इंडियाना 29 अगस्त 1958 को हुआ था। यहाँ दिया है क्वेश्चन 16 अगस्त 1958 को जन्मी मैडोना लुइस चिकोने किस देश की प्रसिद्ध कलाकार पॉप रॉक डांस है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन गड़बड़ दिया है, ठीक है। ये कहाँ की थी? अमेरिका की, ठीक है ना, ये अमेरिका की थी। द बीटल्स बैंड के विश्व प्रसिद्ध कलाकार जॉन लेनन किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है। जॉन लेनन, इनका नाम याद रखिएगा, बीटल्स बैंड के विश्व प्रसिद्ध कलाकार जॉन लेनन किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, जॉन लेनन। यहाँ पे दिया है 6 फरवरी 1945 में जन्मे दुनिया के प्रसिद्ध गायकों में रॉबर्ट नेस्टा मार्ले किस देश के रहने वाले थे? जमैका, ग्रेनाडा, इरिट्रिया, सेंट किट्स एंड नो, ठीक है। तो कौन है गायक? रॉबर्ट नेस्टा मार्ले, ये जो है जमैका के रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है जैकी चैन, ठीक है, जैकी चैन का नाम सुने होंगे, किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे? जापान, मलेशिया, चीन, अमेरिका, ठीक है। तो जैकी चैन जो है वो चीन के रहने वाले थे। यहाँ दिया है मिशेल योह किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री है? चीन, मलेशिया, जापान, जर्मनी। तो यहाँ पे मिशेल मलेशिया, ठीक है ना, माँ से मिशेल, माँ से मलेशिया आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 27 नवंबर 1940 में जन्मे चीनी मार्शल अभिनेत्री ब्रूसली का देहांत कब हुआ? ठीक है, ब्रूसली का नाम आप लोग सुने होंगे, ब्रूसली का 20 जुलाई 1973, 20 जुलाई 1975, 20 जुलाई 1980, 20 जुलाई 2008। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1973, ठीक है। चलिए मिस्टर बीन के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हास्य कलाकार रोवन एंटकिसन मूलतः किस देश के रहने वाले थे? ठीक है ना, किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ठीक है। क्या है? मिस्टर बीन के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हास्य कलाकार रोवन एटकिंसन मूलतः किस देश के रहने वाले थे बताइए? 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? तो ये
हैं इंग्लैंड के, ठीक है, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। कैंडीन नृत्य का संबंध किस देश से है, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो कैंडीन नृत्य का संबंध जो है श्रीलंका से है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, दम्बोरा किस देश के अति प्राचीन लगभग 5000 वर्ष पुराना तंत्री वाद्य यंत्र है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, माल्टा, ठीक है। दम्बोरा, दम्बोरा जो है किस देश का अति प्राचीन तंत्री वाद है, बताइए। ये है अफगानिस्तान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्धा यानी तलवार नृत्य कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, अफगानिस्तान, कुवैत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बताइए। तलवार नृत्य जो है कहाँ का है, ये जो है तलवार नृत्य सऊदी अरब का है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है ड्रैगन और पोल, ड्रैगन और पोल किस देश के प्रसिद्ध नृत्य है, चीन, जापान, रूस, मलेशिया, ड्रैगन और पोल बताइए आप लोग। तो ड्रैगन और पोल जो है यह है चीन, चीन देश का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, छयांगुमू तथा नंगमा कहाँ का नृत्य है, चीन, जापान, तिब्बत, मलेशिया, ठीक है। छयांगुमू तथा नंगमा कहाँ का नृत्य है, बताइए 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। तो ये हो जाएगा तिब्बत, ठीक है, तिब्बत का है। अगला क्वेश्चन दिया है, कबीकी तथा निहोन बुयो के लोक नृत्य है, चीन, जापान, तिब्बत, मलेशिया। कबीकी तथा निहोन बुयो कहाँ का लोक नृत्य है, चीन, जापान, तिब्बत, मलेशिया, बताइए। ये है जापान का, ठीक है ना, कबीकी और निहोन बुयो जापान का है। यहां दिया है, लिंगम तंगटांग नबोरोंग कोंग खा आदि बांसुरियाँ किस देश में मिलती है, भूटान, चीन, नेपाल, तिब्बत। तो ये जो बांसुरियाँ है ये भूटान में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, चीन में प्रायः कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, 4, 5, 7, 9। तो चीन में जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं वो 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, किन्नर नामक तत्ववाद्य का प्रयोग किस देश के संगीत में किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, किन्नर नामक तत्ववाद्य का प्रयोग किस देश के संगीत में किया जाता है, चीन, भारतीय, इब्रानी, मिस्र। किन्नर की बात हो रही है, किन्नर नामक तत्व, बताइए। ये इब्रानी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया, संगीत की देवी के रूप में आइसिस को किस देश में पूजा जाता है, जापान, चीन, मिस्र, यूनान। आइसिस, ठीक है, आइसिस का संबंध मिस्र से है, ठीक है ना। तो मिस्र में इनको संगीत की देवी के नाम से पूजा जाता है। यूरोप में गणितीय आधार पर स्वरों की स्थापना किसने किया, अफलातून, पाइथागोरस, अल्फ्रेड एडलर, लियोनार्ड यूलर, ठीक है। तो गणितीय, जो गणित भी पढ़े होंगे इनका नाम जरूर सुने होंगे, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ पे दिया है, विश्व संगीत दिवस, ठीक है, किस दिन को मनाया जाता है, 21 जून, 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 21 जुलाई। तो विश्व संगीत दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है, 20 अगस्त, 13 फरवरी, 12 दिसंबर, 1 जनवरी। तो रेडियो दिवस जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अतन कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है, अतन कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है, सीरिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो अतन अफगानिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य है। और आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है, दबके किस देश का लोक नृत्य है, यूनान, सीरिया, कुवैत, अफगानिस्तान, ठीक है। दबके 84 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए।
दबके है जो है किस देश का लोक नृत्य है, तो वो है सीरिया का, ठीक है, सीरिया का। तो इस तरह से आप लोगों ने 84 प्रश्न विदेशी नृत्य और पश्चात संगीत से संबंधित देखे। आप लोग इसमें कितना नंबर पाए हैं, एक मार्क टेस्ट ही था। और जैसा कि मैं हर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाता हूं, एक मार्क टेस्ट पर लाता हूं मार्क टेस्ट के आधार पे, और आप लोग कमेंट भी करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा बहुत टफ है, क्योंकि जो भी मैं पहले क्वेश्चन कराता हूँ तो वो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन ये जो पश्चात संगीत से संबंधित, विदेशी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगा होगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन लाइए, सर इतना आसान नहीं, क्योंकि एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वैसा प्रश्न बनाना पड़ता है। ऐसे जो प्रश्न हैं इसी में का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग नहीं कर पाते हैं, और इसमें बहुत कम ही, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में बाय द वे एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, और जो बार बार बताया जाता है वो 80% वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पश्चात संगीत और विदेशी नृत्यों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए, और जो लोग स्टेट और बीपीएससी का नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी कई वीडियो में बताया हूँ कैसे क्या करना है, इनके पास किताब नहीं है या फिर स्टेट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से नोट्स बना है, तो वो लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अपनी तैयारी जारी रखिए, धन्यवाद।